بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم जी तो हम रेस्ट करके उठ चुके हैं माशाल्लाह से, गुड मॉर्निंग। और यह है कि अब हमारी नाश्ते की बारी है। नाश्ता बुफे सिस्टम में लगा हुआ है और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे नाश्ते पड़े हुए हैं। दो दो टेबल्स लगे हुए हैं। अब सोच रही हूँ कि मैं क्या खाऊं। मरियम तो इंजॉय कर रही है, ये देखिए, ये हमारा ब्रेकफास्ट लगा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी जैसे मुश्किल से कुछ आगे जाएंगे तो फिर पिज्जे वगैरह ही मिलेंगे। ठीक है, माशाल्लाह से मिले अच्छे। उधर सारे फ्रेश जूसेस वगैरह पड़े हुए हैं, ये सारे फ्रेश जूसेस वगैरह। अब हम लोग अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं तो फिर आपसे मुलाकात होती है। मैं भी अपना नाश्ता डिसाइड कर लूँ कि क्या मुझे करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हैं जी, ये जो क्यूट सी और माशाल्लाह से ब्यूटीफुल सी लेडीज़ हैं, ये मेरी भाभी भी लगती हैं और ये हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। उनकी शादी पे हम लोग तैयार होके जा रहे हैं तो हम लोग इंजॉय भी बहुत कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि आपसे भी हलवा हो जाए और हम लोग थक बहुत गए थे, हमने 2-3 घंटे रेस्ट की है। तो अब हम लोगों ने सोचा कि तैयारी करें और टाइम भी, क्योंकि इधर यूरोप की जो शादियाँ वो टाइम पर ही होती हैं तो 7 बजे मेहंदी है। तो हम लोग बस माशाल्लाह से उधर तैयारी करके जा रहे हैं। लेकिन इटली अच्छा लगा है, हमें काफ़ी अच्छा लगा। इधर जी हम लोग हाल में पहुंच चुके हुए, ये पाकिस्तानी कल्चर की ही शादी है। तभी दुल्हन आती है तो फिर आपको दिखाती है, लेकिन आप कोई प्रोग्राम नहीं था व्लॉग बनाने का। बस मैंने कहा थोड़ा सा कोशिश कर ली जाए क्योंकि मेरी तक और जैसे है ना रेस्ट ही नहीं मिला बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ही थकावट सी हो गई हुई है तो रेस्ट भी बहुत ही कम मिला है। फ्लाइट भी लेट होगी 2 घंटे, बस ऐसे ही है। अब देखते हैं शादी कैसे इंजॉय करते हैं हम लोग। और लेकिन लग ऐसे ही रहा कि पाकिस्तानी शादी है इधर भी। मैंने ये फर्स्ट टाइम शादी देखी है यूरोप की भी। दुल्हन आ रही है, पहले दूल्हा आया अब दुल्हन आ रही है। ये जी हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हुए हैं और ये आइसक्रीम इटालियन आइसक्रीम है। तो ये कहती है मेरी फ्रेंड्स के अगर आपने आइसक्रीम नहीं
हालांकि मैं इतना ठंडा या स्वीट खाती नहीं, लेकिन अब मजबूरी है मुझे खाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही अच्छे फ्लेवर और बहुत ही अच्छा केक। हमारे पास आज तूफानी बारिश हो रही है। कौन सा बच्चा कल बारिश को याद कर रहा था? मैं। कितनी बारिश हो गई और अब ये हालात है कि अब आज सारे कपड़े जो है ना धोए हुए थे इन्होंने, अब सारे गीले कपड़े इधर अब कुछ हैंग कर रही हैं, कुछ इधर टेरेस पर डालेंगी। बच्चों को मैं और अबू पार्क लेके गए थे। हाँ जी, और हयाम फातिमा बारिश में नहा के आई है वापस, और ये हयाम फातिमा के हालात है ये देखें। और बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। हस्बी अल्लाह, हयाम फातिमा बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आप अंदर चलो, मैं आपके कपड़े बदलती हूँ। चलो, आज हमने भी जाना था बाहर, लेकिन अब हाँ, और सब लोग टेरेस पे निकल आए। ये सबसे पहले जी अम्मी जो लेके आई हैं ना इटली से हमारे लिए गिफ्ट, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये उनका बड़ा फेमस जो है ना ब्रेड है, लेकिन इसके अंदर हैं बिस्किट्स। ये इस टाइप के बिस्किट्स हैं अंदर, चॉकलेट वाले, चॉकलेट चिप वाले, और इस तरह से रिंग्स बने हुए हैं। ये रहे बिस्किट। सबसे पहले जी ये पहला गिफ्ट ये निकला, और अभी बाकी जो जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगी खुल के जी, इस तरह की पैकिंग निकली। माशाल्लाह जी, अभी आपको दिखाए हैं मैंने बिस्किट्स भी। अम्मी का ट्रिप बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह। अच्छा, ज़रा हमसे बच्चों से अम्मी को थोड़ी स्पेस मिली है। सबसे पहले तो अम्मी ये ना बड़ी ही ज़बरदस्त सी जो है ना हैंड क्रीम लेके आई हैं मेरे लिए। इन्होंने जहाज़ में से ख़रीदी थी और अम्मी मेरे लिए लेके आई हैं, और मेरे हाथ भी माशाल्लाह ना अब काफ़ी बेहतर है। बस थोड़ा बहुत कोई रह गया फॉल्ट, वरना काफ़ी बेहतर हो गए हैं। हमारे लिए बेसिकली आए हैं बिस्किट्स जो आपने पहले देखे हैं, फ्रिज पे लगाने वाले मैग्नेट्स, मेरे लिए हैंड क्रीम, और अम्मी परफ्यूम भी लाई हैं। वो अब अंदर पड़ा है और हुसैन सोया हुआ है, वो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ना ये वाले मैग्नेट्स दिखाती हूँ। आपने देखा होगा कि मेरी पाकिस्तान वाली जो फ्रिज है उस पर भी ढेरों ढेर मैग्नेट्स लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में सबको आदत है जिस कंट्री में जिस जगह नई जगह जाएँ वहाँ के मैग्नेट्स लाते हैं। हमारी यहाँ वाली फ्रिज पर भी लगे हुए हैं, मुझे बहुत पसंद है। और अम्मी माशाल्लाह बड़े प्यारे कलरफुल से लाई हैं, दो मेटल के हैं, दो पत्थर के हैं, लेकिन अभी ये इस फ्रिज पे नहीं लगाने, ये मैंने अभी रख देने हैं क्योंकि शायद पाकिस्तान ले जाऊंगे, ठहर के इस पे लगाएंगे। सबसे पहले तो ये देखें ये कितना क्यूट है। मानो बैठ जाओ आप, यहाँ फातिमा सारी चेकिंग करने पहुंची हुई है। अच्छा जी, सबसे पहले ये देखें, क्योंकि वीनस से अम्मी ने लिया, और आपको पता है वीनस जो सारा शहर पानी में है, वहाँ लोगों की गाड़ियाँ भी कश्तियाँ हैं, प्राइवेट लोगों के जो हैं वो शिप्स हैं, और इसी चीज़ों में जो है ना लोग जो है वो सफ़र करते हैं। ये सबसे पहले एक ये है देखें, जिस जो ब्रिज बना हुआ था ना बिस्किट्स जो थे हमारे उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर, उसी तरह से एक ये कश्ती चल रही है, एक ये कश्ती बनी है, और ये मेटल का। उसके बाद एक ये है, इसी तरह से देखें सारी चीज़ें बोट्स वाली होंगी, और एक ये है, ये देखें बहुत प्यारी और बहुत कलरफुल हैं। थैंक यू अम्मी, अम्मी मैग्नेट्स भी लाई हैं, हैंड क्रीम्स, परफ्यूम जो है ना वो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। बिस्किट्स आए हैं, कुछ चॉकलेट्स आई हैं, कुछ चीज़ें बस अम्मी के आते ही हम लोगों ने खोल के खा पी ली, कुछ जो है मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो यह है कि खूबसूरत शहर था, अब हम लोगों का प्लान बन रहा है, अपना भी ट्रिप जो है ना प्लान करेंगे कि हम उधर ही जाएँ। अच्छा शहर है, पानी में है, लोगों के बड़े शिप्स प्राइवेट और सब चीज़ें बड़ी मज़ेदार है, जाएँगे देखेंगे। और हैंड क्रीम भी यूज़ करके आपको बताऊँगी कि हाथ कितनी जल्दी ठीक होते हैं। चलें जी, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको यहाँ की शादी, यहाँ की चीज़ें जो अम्मी लाई हैं वो सब कुछ पसंद आया होगा। आपसे मिलेंगे हम कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।